से बनी परिस्थितियों में भारत की मदद के लिए आगे आए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बात की। प्रधानमंत्री ने जहां अमेरिका की मदद के लिए बाइडेन का शुक्रिया कहा, वहीं वैक्सीन निर्माण में काम आने वाला कच्चा माल के सप्लाई चेन पर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है। कोविड डिप्लोमेसी के मद्देनजर मोदी बाइडेन बातचीत को अहम माना जा रहा है। कोरोना के खिलाफ भारत के संघर्ष में अमेरिका साथ आ खड़ा हुआ है। जहां एक ओर भारत को अमेरिकी मदद मिलनी शुरू हुई है, तो वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत हुई है। बाइडेन से टेलीफोन पर बात करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन से सार्थक बातचीत हुई। हमने दोनों देशों में कोविड के हालात पर विस्तार से बात की है। मैंने राष्ट्रपति बाइडेन को अमेरिका से भारत को मिले समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। बाइडेन का भारत की मदद के लिए आगे आना कोरोना काल की कूटनीति के मद्देनजर काफी अहम है। भारत में हाहाकार मचने के बावजूद अभी पिछले हफ्ते तक भारत में वैक्सीन निर्माण के लिए अहम कच्चे माल तक को भेजने से अमेरिका ने हाथ खड़े किए थे, जिस पर भारत में सोशल मीडिया पर जोरदार गुस्सा दिखा था। लेकिन एनएसए अजीत डोभाल और अमेरिका के एनएसए की बातचीत के बाद अमेरिका का रुख बदल गया। न सिर्फ वैक्सीन निर्माण के लिए कच्चा माल भेजने पर अमेरिका राजी हुआ, बल्कि कोरोना के संकट में हर संभव मदद की बात अमेरिका की ओर से कही गई। खुद राष्ट्रपति बाइडेन की ओर से ट्वीट करके कहा गया कि जिस तरह महामारी की शुरुआत में भारत ने अमेरिका की मदद की थी, उसी तरह जरूरत के इस वक्त में हम भारत की मदद करने को लेकर दृढ़ संकल्पित हैं। अब बाइडेन से बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन निर्माण के लिए सप्लाई चेन पर सीधी बातचीत की है। मोदी ने बाइडेन के साथ हुई बातचीत को लेकर अपने ट्वीट में कहा है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन से बातचीत में मैंने वैक्सीन के कच्चे माल और दवाइयों की प्रभावकारी सप्लाई चेन की अहमियत पर जोर दिया है। भारत अमेरिका हेल्थ केयर साझेदारी वैश्विक कोविड 19 चुनौती से निपटने में मदद कर सकती है। कोरोना के संकट में विश्व के सबसे ताकतवर देश अमेरिका ने भारत के साथ खड़े होने का फैसला किया है। इससे एक बात तो साबित हो गई है कि ग्लोबल स्तर पर भारत की ताकत जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में बढ़ी है, उसको बड़े बड़े देश इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। अमेरिका अब जब भारत की मदद के लिए तैयार हुआ है, तो वैक्सीन निर्माण के लिए कच्चे माल के अलावा टेस्टिंग किट्स, अच्छे प्रोटेक्टिव गियर्स, फील्ड हॉस्पिटल, मेडिकल ऑक्सीजन और उसके उपकरण, दवाइयां, साथ ही कोविड के खिलाफ अमेरिकी जानकारी और विशेषज्ञता भारत को हासिल हो सकती है। भारत और अमेरिका का कोविड सहयोग किस स्तर का होगा, ये कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। लेकिन अपने वैक्सीन मैत्री और कोड वैक्सीन पहल जैसे अभियानों के जरिए भारत कोरोना के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का मजबूत उदाहरण सामने रख चुका है। गीता मोहन के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।